देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और 18 अप्रैल यानी कि कल दोनों दूसरे चरण का जो मतदान हुआ, मतदान में कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो वाकई में हैरत में डाल देने वाली थी। कहीं पर जूता फेंका गया तो कहीं पर बूथ पे थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, कहीं पर सांसद को भगाई दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई 18 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में। बड़ी बात यह है कि इस बार लोकसभा 2019 चुनाव बहुत ज़्यादा जो हैं वो अलग तरीके के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। यहाँ तक कि युवा लोग भी, जो लोग कभी न्यूज़ चैनल्स से डरते थे, वो लोग भी आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, वो लोग भी देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं। जिनको ये भी नहीं पता कि मोदी जी ने क्या किया है या राहुल गांधी साहब ने क्या किया है, वो भी अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं भैया ये जीतना चाहिए। बहुत सही बात है, भारत नया हिंदुस्तान बन रहा है और जागरूक हो रहे हैं लोग, जाहिर सी बात है। अब एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पूरे गुरुवार सुर्खियां बटोरी 18 अप्रैल को। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा के नाम की हम बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने के बाद साध्वी प्रज्ञा को लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल साध्वी प्रज्ञा के बारे में हम आपको बता दें कि ये वही शख्सियत हैं जिन्हें 2008 में हुए मालेगांव कांड में इनको गिरफ्तार किया गया था। NIA ने इनको ज़बरदस्त टॉर्चर किया, ये एक पक्ष का कहना है, और इन्हें एक हिंदू आतंकवादी के रूप में माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा के आने से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो हिला हुआ है। पूरा विपक्ष ये सोच रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल कैसे दिया। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर सुमित्रा महाजन बैकफुट पर आ गई। सुमित्रा महाजन नहीं लड़ रही हैं, उमा भारती मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रही हैं, सुषमा स्वराज भी मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रही हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था भोपाल से, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी नहीं लड़ रहे। अब बचा कौन? कौन वो नेता होता जो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता? ऐसे में साध्वी प्रज्ञा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई और कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन को सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के सामने ले आकर खड़ा किया जाने लगा। अब दिग्विजय सिंह के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है। वो भी ये सोच रहे हैं कि भैया साध्वी प्रज्ञा को अगर इमोशनल सपोर्ट मिल गया और अगर ये जीत गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि साध्वी के पिता RSS के बहुत बड़े सेवक थे। साध्वी खुद भी RSS की बहुत बड़ी सेवक रही हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वो तपस्या में लीन हो गई। हालांकि पिछले एक साल से वो चल फिर पा रही हैं, एक छोटी उमा भारती के रूप में उनको यहाँ पर देखा जाता है। और साध्वी प्रज्ञा के आने से भोपाल की लहर जो है वो बदल गई। द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को कहा जाता है, यहाँ पर झीलों का तांडव रहता है और झीलों के बीच में एक प्यारी सी सिटी भोपाल बसी हुई है। और यहाँ के लोगों का जो दिल है ये सच के लिए धड़कता है। यहाँ के जो लोग हैं ये सिर्फ सच को जिताना जानते हैं, फिर भले चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई साधु हो या फिर कोई साध्वी हो। अब दिग्विजय सिंह को अगर अपने गढ़ से लाकर भोपाल में लाया गया है तो कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन इस दांव पर उल्टी बाजी पलटी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा को लाकर। अब साध्वी प्रज्ञा को आप जितना प्रताड़ित करेंगे इनकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी, ये समझने की बात है। देखिए, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो ये सब जो लोग हैं, ये लोग कश्मीर की तरफ से भी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी पर क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने भी कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको आप जेल में डालिए अगर ये ठीक है। तो अब आप बेल पे जब बाहर हैं तो आप पहली बात तो नेता बन के कैसे आ सकते हैं और सांसदी कैसे लड़ सकती हैं। दूसरी बात क्या है कि साध्वी प्रज्ञा के आने से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है मध्य प्रदेश की की अगर हवा को देखा जाए। अब साध्वी प्रज्ञा को हिंदू आतंकवादी तो घोषित कर दिया गया, लेकिन अब तक वो साबित नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कहा जाता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। लोगों ने भी कहा कि भैया अगर ये सही हैं तो इनको जेल में डालो, अगर ये चुनाव लड़ गई, अगर जीत गई तो भैया हमारी तो ये बैंड बजा देंगे, क्योंकि भैया देश का सांसद होना एक बहुत बड़ी बात है, एक जगह का सांसद होना बहुत बड़ी बात है। अब ये समझने की बात है कि यहाँ पर सारे समीकरण जो हैं उल्टे पड़े हैं, क्योंकि कमलनाथ इस बार लड़ नहीं रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट चेंज कर दी गई है। तो क्या यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा के आने से भोपाल की लहर बदलेगी? क्या भोपाल साध्वी प्रज्ञा को अपनाएगा? क्या भोपाल इस बार साध्वी प्रज्ञा को कहेगा कि नहीं भैया आप हमारी सांसद बनिए और आप हमारे भोपाल का विकास कीजिए? भोपाल को स्वच्छ भारत की सूची में दूसरे नंबर पर रखा जाता है, सबसे पहले नंबर पर इंदौर है और उसके बाद अब भोपाल दूसरे नंबर पर है।
तो अब भोपाल के विकास और उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी अगर जीतती है साध्वी प्रज्ञा तो उनके कंधों पर होगी। दिग्विजय सिंह ने क्या विकास करा है पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आज भी सड़कों का जो हाल है वो 10-12 सालों में इतना काम करने के बावजूद नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि साध्वी प्रज्ञा के आने से क्या एक बड़ा फायदा मिलता है या फिर अब कांग्रेस को बड़ा फायदा हो। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPNI News को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।